स्टोरी का नेम लिखो जो आपने रीड किए या फिर सुनिए. यस आई लाइक स्टोरी. द नेम ऑफ वन स्टोरी इज विच. आई रीड वन स्टोरी दैट नेम इज क्लेवर फॉक्स. हैव यू हर्ड एनी स्टोरी अबाउट एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट? क्या आपने कोई ऐसी स्टोरी सुनी है एनिमल्स के बारे में फॉरेस्ट के? यस आई हैव हर्ड द स्टोरी अबाउट एनिमल्स. नाउ रीड. हु इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट? व्हाई इज ही कॉल्ड द किंग ऑफ द फॉरेस्ट? जंगल का राजा कौन है और वो क्यों कहलाते हैं जंगल का राजा? द लायन इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट. इट कॉल्ड किंग बिकॉज इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड फीरोजियस. नाउ रीडिंग. आई एम किंग द जंगल ऑफ आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट. मैं जंगल का राजा हूँ. माई किंगडम हैड वंस बीन वेरी ब्यूटीफुल. मेरा किंगडम बहुत ब्यूटीफुल होता था. द फॉरेस्ट हैड बीन फुल ऑफ टॉल ट्रीज टॉलर देन योर टॉलेस्ट बिल्डिंग. ये जो फॉरेस्ट के पेड़ होते थे वो इतने टॉल टॉल होते थे, उससे भी ज़्यादा टॉल देते हैं तुम्हारी ये टॉलर बिल्डिंग है. वेल नॉट ओनली टॉल ट्रीज. वहाँ पे सिर्फ लंबे लंबे पेड़ नहीं थे, देयर वर क्लाइंबर. वहाँ लटकताए थी बशी झाड़ियाँ थी, श्रब्स थे एंड ग्रासेस घास भी थी. द फॉरेस्ट लुक ब्यूटीफुल विद वाटर स्प्रिंग पूल्स हिल्स वैलीज एंड मैनी ऑफ वंडर सीनरी. ये जो जंगल है वो इस वजह इन वाटर स्प्रिंग पूल्स हिल और वैलीज से बहुत सुंदर लगता था और उसकी ये सुंदर से सीनरी से भी. हियर इज लायन. हियर इज अ पिक्चर ऑफ लायन. Deer, tiger, elephants, bear, monkey, crocodile, wolves, peacock, manas, owls, kings and many more were among my subjects. ये जो हिरन, बाघ, हाथी, भालू, बंदर, मगरमच्छ, भेड़िए, मोर, मैना, उल्लू, कबूतर और भी बहुत सारे मेरे वो होते थे ये जो जंगल प्रजा. He had enough food to eat and plenty of water to drink. हमारे पास इतना ज़्यादा खाना था खाने के लिए और बहुत सारा पानी था पीने के लिए. My birds sang the sweetest song. ये जो मेरी birds थी वो बहुत अच्छा गाना गाती थी. My animals ran the longest races. ये जो मेरे animals हैं वो दूर दूर तक races करते थे. Our children, the curves, lambs and fawns moved about freely without fear. ये जो हमारे बच्चे थे ये curves थे. ये curves वो lion के बच्चे, fawns deer के बच्चे और lambs sheep के. ये यहाँ वहाँ घूमते थे बिना किसी डर के. We all lived happily in the forest, our home. हम बहुत खुशी से रहते थे जंगल में हमारे घर में. The hill tribes also lived with us. ये जो हिल ट्राइब्स हैं वो हमारे साथ रहती थी. They were happy with what the forest gave them. हम उससे happy थे कि भाई forest हमें क्या देता था. They worshipped forest as god. वो forest worship करते थे कि वो god है. They enjoyed the touch of the earth. ये जो touch में रहते थे enjoy करते थे. The smell of the air and the taste of freshness. Air की smell और taste की freshness. And most of all they loved the forest and respected our freedom. वो बहुत प्यार करते थे इस जंगल से और हमें respect करते थे. Here is picture of some animals. Here is lion, elephant, wait, lion.
elephant. Lion, L-I-O, and lion. Elephant, E-L-E-P-H-A-N-T, elephant. Tiger, T-I-G-E-R, tiger. Who's left? Crocodile, C-R-O. C-O-D-I-L-E, crocodile. And D-E-E-R, deer. Now here is another page. But now everything has changed. Lekin ab sara kuch badal chuka hai. You, the civilized people, entered my kingdom. लोग हमारे मेरे राज्य में आए थे. I thought you visited my kingdom to enjoy its beauty. मैंने सोचा कि तुम इसलिए अब मेरे साम्राज्य की ब्यूटी को एंजॉय करने आए हो. I was happy to have you as visitors as I was proud of my kingdom. मैं बहुत हैप्पी था जब मैं विजिट कि तुम विजिट आए हुए थे. मुझे अपने किंगडम पे प्राउड था. बट आई वॉज रॉन्ग, बट परंतु मैं गलत था. यू आर द ग्रीडी एंड अनकाइंड, तुम लालची और अनकाइंड हो. बिना बिल्कुल भी काइंड नहीं हो तुम. यू कट ट्रीज फॉर योर सेल्फिश वॉन्ट्स, तुमने पेड़ों को काटा तुम्हारे क्योंकि तुम खुद के लिए. यू हंट एनिमल्स टू फ्लेश स्किन्स एंड क्लॉस, तुमने एनिमल्स को मारा उनके फ्लेश के लिए, चमड़ी के लिए, टस्क के लिए और क्लॉस के लिए. मैनी ऑफ माई सब्जेक्ट डाइड एंड आर नंबर डिक्रीज्ड. मेरे बहुत सारे लोग मतलब सब्जेक्ट्स इसकी ये जो वो होते हैं ये इनके जो सब्जेक्ट्स थे क्या थे वो इनके जो सब्जेक्ट्स थे वो डिक्रीज होते गए, कम होते गए. मोस्ट ऑफ द ट्रीज वर कट एंड द फॉरेस्ट बिकम बेयर. बहुत ज़्यादा ट्रीज कट हो चुके हैं और अब ये जो फॉरेस्ट है वो बिल्कुल जंगल है, वो बिल्कुल बेयर हो चुका है. हंटर्स एंड स्मगलर्स among you attacked my kingdom again and again. Again, शिकारी और ये smugglers हम मेरे साम्राज्य में अटैक करते रहे बार 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 बार. You either killed or captured my animals and birds. तुम मेरे इन animals और birds को मार देते हो या फिर उनको capture कर लेते हो, कैद कर लेते हो. You robbed our resources. तुम हमारे resources को robbed कर देते हो. You are merciless. तुम merciless हो. You destroyed the forest in spite of its number of benefits. तुमने forest को destroy कर दिया तुम्हारे spite से, benefits से. Even now I am the king. लेकिन मैं अभी भी राजा हूँ. But what has become of my kingdom and my subjects? लेकिन अब मेरे साम्राज्य और मेरे सेनाओं का, मेरी सेना का क्या हुआ? Why this sorry state of affairs? तुम ये सॉरी कह रहे हो, तुम सॉरी स्टेट के अफेयर्स हो. Aren't you responsible for that? Aren't you? तुम क्या उसके लिए responsible हो या फिर नहीं? Think well. अच्छे से सोचो. Please find a solution to this problem. इस प्रॉब्लम के लिए कोई सॉल्यूशन ढूंढो. Now, what meanings? So let's start the word meanings. Kingdom. Kingdom. A territory or state. A territory or state. Samrajya. Samrajya. Captured. Captured. Look as Krishna.
pishawners. Look at pishawners. Caddy. Caddy. Fawns. Fawns. Young ones of a deer. Young ones of a deer. Hiran ke bacche. Hiran ke bacche. Worshipped. Worshipped. Prayed. Prayed. Puja ki. Puja ki. Selfish. Selfish. Thinking of oneself only. Thinking of oneself only. Swarthi. Swarthi. Tusks. Tusks. Outer teeth of an elephant. Outer teeth of an elephant. Hathi ke daant. Hathi ke daant. Claw. Claw. A curved nail on the toe of an animal. A curved nail on the toe of an animal. Panja. Panja. Decreased. Decreased. Becomes smaller. Ghat gaya. Ghat gaya. Smuggler. One who sells and buys things illegally. One who sells and buys things illegally. Tusker. Tusker. Merciless. Merciless. Showing no pity. Showing no pity. Mirdya. Destroy. Destroy. Damage. Damage. Nasht karna. Nasht karna. Civilized. Civilized. Polite. Polite. Refined. 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 Sab hai. Sab hai. Resources. Resources. Natural wealth. Natural wealth. Sansadhan. Sansadhan. Benefits. Benefits. Usefulness. Usefulness. 5 day. 5 day. In next video, we will do its back exercise and question answers. If you like this video, please like it, share it, comment it, and don't forget